फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, मेरा क्रोशिया नंबर 2.5 mm है और मेरा देखिए क्रोशिया वाला ही धागा है। और देखिए, जो स्टार्ट करेंगे तो आपने देखिए इस तरह से चैन बनानी है। तो आप इसमें देखिए फ्रेंड्स 32 चैन डाल लीजिए। देखिए, मुझे तो आपको छोटा सा ही डिजाइन बताना है, और अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप इसमें ज्यादा चैन डाल सकती हैं। तो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
करके चौथी चेन में आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। तो एक, दो, तीन, चार और ये पांच। देखिए मैंने पांच बार बुना है, एक चैन लेके छह हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, फिर एक और दो, दो चैन का गैप डालिए और देखिए एक दो चैन नीचे से स्किप करके तीसरी वाली चैन में यानी थर्ड चैन में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने एक और दो, दो चैन का गैप डालिए, फिर उसी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है, फिर एक और दो, दो चैन और देखिए एक दो चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में आपने फिर से डबल क्रोशे से बुनना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। देखिए फ्रेंड इस तरह से, देखिए ये भी छह बार है, अब दो बार बुना, फिर छह बार, फिर से दो बार और छह बार, यानी इस रो को इसी तरह कंप्लीट करना है। तो मैं बनाती हूँ, बनाकर दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। इस तरह से मैंने इसे देखिए कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। फिर जैसे दो बार बुनना था यहाँ भी बुन लिया और जैसे छह बार था यहाँ भी लास्ट में इसी तरह से छह बार आ गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए एक, दो, तीन, तीन चैन बुनिए और ये जो छह बार बना हुआ है डबल क्रोशे से इसे इसी तरह बुनेंगे। दो हो गए चैन लेके, तीन, चार, पांच और ये छह। देखिए छह हो गए ना। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, देखिए सीधा इधर है ना, तो आपने इधर से देखिए यहां से, यहां से इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से चार बार बुनना है, एक, दो, तीन और ये चार। देखिए चार बुन लिया, एक, दो, तीन, देखिए तीन चैन बुन ली और अब इसे शेप दे दीजिए एक पत्ती की इस तरह से। फिर आपने देखिए एक, दो, तीन, तीन के बाद देखिए यहाँ, ये देखिए जहाँ से हमने एक चैन में दो बार बुना उसी वाली चैन में आपने डबल क्रोशे से तीन बार बुनना है, एक, दो, तीन और एक ये चैन लेके देखिए चार हो गए ना। फिर आपने इस पत्ती को भी शेप दे दी है, तीन चैन बुन के इसे यहाँ शेप दे दीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ एक, दो, तीन और इसके अंदर एक, दो, तीन और ये चैन लेके चार हो गए, फिर इसे भी शेप दे दीजिए, तीन चैन इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी तीन पत्तियों वाला देखिए फूल बन गया है इस तरह से। अब आपने एक बार लेना है और देखिए अब आपने जब आप पीछे थे ना इस तरह से, ये तो आगे फूल बन गया, हम तो सेकंड रो पे थे ना इधर, तो बस अब हमने घुमा के यहाँ छह बार डबल क्रोशे से बुनना है, एक,
दो, तीन, चार, पांच और ये छह। देखिए तो फूल जो था फ्रेंड्स, देखिए हमारा आगे आया है, ये रहा। अब आपने 6 बार बुन लिया ना। अब देखिए फिर से आगे, ये है ना हमारा आगे का हिस्सा। तो देखिए इस तरह से लेंगे और ये देखिए जो वी बनाया था ना, यहाँ यहाँ आपने फिर से 3 पत्तियों का फूल को रिपीट करना है। एक, दो, तीन, चार और फिर एक, दो, तीन, इस पत्ती को शेप दे देंगे। फिर एक, दो, तीन, ये देखिए जिसने वी बनाया था उसी चैन के अंदर आपने 3 बार बुनना है। एक, दो, तीन और एक ये चैन लेके 4 हो गए। फिर एक, दो, तीन और इसे शेप दे दीजिए इस तरह से। अब फिर से देखिए आपने यहाँ, अब देखिए इधर इस साइड में भी बना लेंगे। एक, दो, तीन और इसके अंदर भी हमने 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक, दो, तीन और एक ये चैन लेके 4 हो गए ना। फिर इसके बाद एक, दो, तीन इसे शेप दे देंगे। देखिए अब ये हमारा सीधे बन गया ना। अब हम इसे जो हम यहाँ बना रहे थे डबल क्रोशे से, यहाँ पर 6 बार बुन देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। फिर देखिए एक, दो, तीन इसे पलट लेंगे और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखिए फ्रेंड्स फिर से हमने 3 चैन ले ली है। अब इसे पलटेंगे और ये देखिए किनारे पे तो 6 है ना, तो ये 6 बार बुनेंगे। दो, एक चैन भी गिन लेते हैं तो देखिए अब ये 3, 4, 5 और ये 6, 6 बार हो गया। अब आपने देखिए एक और दो, दो चैन बुन ली और एक बन लीजिए। और देखिए यहाँ यहाँ आपने पफ स्टिच डालना है। एक, दो, तीन, चार और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर एक और दो, फिर से फ्रेंड्स देखिए ये जो 6 बार है ना बीच में डबल क्रोशे से, इसे इसी तरह बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। फिर एक और दो और यहाँ 5 बार का पफ स्टिच डालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और इन सबको एक साथ बन देंगे। एक, दो, देखिए फ्रेंड इस तरह से। तो देखिए जैसे 6 बार बना, यहाँ भी 6 बार बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें क्या। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए जैसे ये बनाया था, ये बनाया था, यहाँ मैंने 6 बार बुन के फिर पलट के भी 6 बार बुन लिया है। अब देखिए हम बैक साइड पे यानी उल्टी तरफ आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से एक और दो, दो चैन बुनेंगे इसके अंदर। देखिए फिर आपने एक बन लेना और इसके अंदर और इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स देखिए एक और दो, दो चैन और यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। फिर देखिए एक और दो, दो के बाद यहाँ एक
और यहाँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। यहाँ मैंने 6 बार बुना, फिर मैंने पलट की भी 6 बार बुन लिया। तो किनारा है ना फ्रेंड्स, ये तो आप इसी तरह बुनती रहेंगी। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके बाद 2 चैन और देखिए यहाँ इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। यहाँ वी बनाना है, फिर से 1 और 2, फिर इसी के अंदर बुन लेंगे इस तरह। फिर देखिए 1 और 2 और यहाँ 6 बार बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर से इसी तरह भी बनाएंगे यहाँ 1 और 2 और यहाँ देखिए डबल क्रोशे से 2 बार बुनेंगे, 1, बीच में 2 चैन का गैप रखिए और ये 2 और एक किनारे पे 6 बार बुन लेंगे 1 और 2 के बाद यहाँ 6 बार। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं किनारा भी कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए वी बन गया था और फिर मैंने पलट के भी 6 बार ये किनारा बना लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए एक बल लेना है ना, देखिए अभी सीधी तरफ है ना, तो देखिए सीधी तरफ ये जो वी बना है इस तरह से पकड़ लीजिए सीधा और इसके अंदर आपने 4 बार फिर से जैसे हमने नीचे फूल बनाया था ना बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो 2, 3, 4 देखिए मैंने 4 बार डबल क्रोशे से बुना, फिर 1, 2, 3 तीन के बाद मैं इसे अब इसके अंदर ही बुन लूंगी, शेप दे दूंगी इस तरह से। फिर देखिए 1 और 2, 3 तीन चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ अब आपने जहाँ से आपने वी बनाया था यहाँ आपने 3 बार बुनना है, 1, 2 और ये 3। देखिए दूसरी पत्ती भी तैयार हो रही है, फिर 1, 2, 3 और इसे शेप दे दीजिए इस तरह से। फिर ये देखिए 1, 2, 3 और यहाँ इसके अंदर भी बुनेंगे। तो देखिए एक चैन बना ली 3 की और फिर से 3 बार डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर 1, 2, 3 तीन चैन बुन के इसे शेप दे देंगे। फिर देखिए ये अब आपने इस तरह से यहाँ डबल क्रोशे से 6 बार बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए फ्रेंड इस तरह से ये देखिए ये फूल बन गया, ये भी फूल बन गया। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जैसे हमने नीचे फूल बनाया ना ये पूरा, इस तरह से हमने यहाँ भी बनाना है, इसे रिपीट करना है। तो मैं ये रिपीट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपने डिजाइन को देखिए कंप्लीट कर लिया और बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसका कितना प्यारा सा लुक आया है। आप इसे कहीं भी यूज कर सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।